बुलेटिन में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी खबर। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस आ गई है, कांग्रेस ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। 8 दिसंबर को भारत बंद का कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आ गई है। 8 दिसंबर के भारत बंद को भी कांग्रेस ने समर्थन दिया है। तो वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है, कहा है कांग्रेस पार्टी 8 दिसंबर को किसानों के पक्ष में भारत बंद का समर्थन करती है। राहुल गांधी अपने हस्ताक्षर अभियान, किसान और ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों की आवाज उठाते रहे हैं। वह देश के किसानों के कट्टर समर्थक रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, कांग्रेस ने समर्थन दिया है, किसान आंदोलन और मजबूत होता नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है। बहुत बड़ी खबर है ये किसानों के लिए, किसान आंदोलन के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने किसान आंदोलन का जो भारत बंद है उसका समर्थन किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले ट्वीट कर किसान आंदोलन के 8 दिसंबर के भारत बंद का समर्थन किया है और उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस भारत बंद में किसानों के साथ है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जो कांग्रेस नेता है वो लगातार किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं, कभी हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से तो कभी ट्रैक्टर रैली के माध्यम से उन्होंने किसान की आवाज को उठाया है। वो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी है वो किसानों की समर्थक रही है और इस कानून के विरोध में, जो 3 कानून नए कृषि कानून बने हैं उनके विरोध में कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही है। ऐसी स्थिति में जब देश के किसान सड़कों पर है, आंदोलनरत है और देश के किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है तो कांग्रेस पार्टी भी पूरे देश में किसान आंदोलन का समर्थन करेगी, किसानों के साथ 8 दिसंबर को भारत बंद का जो समर्थन करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता भी किसानों के साथ मिलकर भारत बंद को सफल बनाने का काम करेंगे। जिस तरह से ये कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी घोषणा की है, आपको पता ही कि कई संगठनों ने भी किसान संगठनों के साथ भारत बंद का ऐलान किया है। माकपा, सीपीएम और जो तमाम पार्टियां हैं, विपक्ष वो पहले ही इस बात की घोषणा कर चुकी है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट के बाद देश की जो तमाम जो एनडीए विरोधी पार्टियां हैं हो सकती है वो भी इस बात इस तरह की घोषणा करे और किसान आंदोलन को इस समर्थन से कहीं कहीं मजबूती मिलेगी। आशीष जी, बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने सीएमआर में बैठक बुलाई है, मंत्रियों विधायकों के साथ चर्चा भी होगी और आगे की रणनीति भी होगी और अब खुलकर कांग्रेस किसान आंदोलन के समर्थन में आ गई है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से ही स्टंट रहा है कि वो इस विधेयक आए थे तब से भी कांग्रेस पार्टी ने संसद में विरोध किया था, बाहर भी विरोध किया था। लगातार राहुल गांधी खुद पंजाब में गए थे, किसानों के साथ सड़कों पर उतरे थे, तो ऐसी स्थिति में वो खुद लगातार पहले दिन से विरोध कर रहे हैं और अब किसान जब पूरे सड़कों पर उतरे हुए हैं, दिल्ली की बॉर्डर सड़कें में है, सरकार से लगातार बातचीत भी हो रही है और इस बातचीत के बीच जब किसान संगठनों ने 8 दिसंबर का भारत बंद का ऐलान किया और उस स्थिति में यदि कांग्रेस पार्टी अपना स्टंट क्लियर नहीं करती तो ये संदेश जाता है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में दोहरा चरित्र अपना रही है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में पहल करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, ट्वीट किया कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता भारत बंद को सफल बनावे और उन्होंने राहुल गांधी का नाम भी जोड़ा। उनका कहना था कि जब राहुल गांधी पहले दिन से ही इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली में शामिल हो रहे हैं तो प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता का धर्म बनता है कि वो इस भारत बंद को सफल बनावे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो है अपनी पार्टी की तरफ से साफ क्लियर कर दिया है कि वो किसानों के साथ है, किसान आंदोलन के साथ है, वो किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है। आशीष जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, उन्होंने बताया कि कांग्रेस अब खुलकर किसानों के समर्थन में आ गई है, किसान आंदोलन को समर्थन दिया है तो साथ ही साथ 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद का भी समर्थन किया है।